नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है बोट की तरफ से पहली रगेड स्मार्ट वॉच जो है बोट वेव आर्मर, जो हाल ही में लॉन्च हुई है अमेजोन पे और आपको मिलती है 2199 में। और जो फ्लिपकार्ट पे लॉन्च हुई है बोट वेव फोर्स, दोनों स्मार्ट वॉच सेम है। अमेजोन पे लॉन्च होती है तो ए फॉर अमेजोन, ए फॉर आर्मर, और फ्लिपकार्ट पे लॉन्च होती है तो एफ फॉर फ्लिपकार्ट और एफ फॉर फोर्स। तो दोनों ही स्मार्ट वॉच पूरी तरीके से सेम है, बस डिफरेंस है नेम का। ये है कॉलिंग स्मार्ट वॉच और इसमें है 1.83 इंच का LCD डिस्प्ले 550 निट्स ब्राइटनेस के साथ। इसके अलावा इसमें है हार्ट रेट एंड SP2 सेंसर, कॉल टेक्स्ट एंड सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, म्यूजिक एंड कैमरा कंट्रोल, वॉइस असिस्टेंट, और इसमें है पासवर्ड प्रोटेक्शन। और ये है IP68 वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट, मतलब कि आप इसे पानी में 1.5 मीटर गहराई तक आधे घंटे के लिए यूज कर पाओगे। तो ये है एक रगेड स्मार्ट वॉच रोबस्ट डिजाइन के साथ। इसमें आपको मिलती है मेटल बॉडी, जिंक एलॉय का केस यूज किया गया है, इसलिए इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड और स्टडी है। साइड में है दो बटन्स। बैक की बात करेंगे तो बैक में है यहां पे स्पीकर, माइक, 2-पिन चार्जिंग स्लॉट और ये है SP2 एनहार्टेड सेंसर। ये जो स्ट्रैप्स है सिलिकॉन के है 22mm के, जो काफी अच्छी क्वालिटी के है, जिन्हें आप रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव करने के लिए आपको इस पिन को नीचे की ओर खींचना है और फिर ऐसे बाहर करना है। इंसर्ट करने के लिए आपको नीचे के होल में पिन को अलाइन करना है, ऊपर वाली पिन को नीचे खींचना है और फिर होल में अलाइन करना है ऊपर में, इस तरीके से। ऊपर में है एक मेटालिक बकल और दो स्ट्रैप्स होल्डर। बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, तो आपको इस तरीके से अटैच करके इसे चार्ज करना है। इसमें है 410mAh की बैटरी, इसे फुल चार्ज करने के लिए आपको लगेंगे 2 आवर, आपको मिलेगा 7 डेज का बैटरी बैकअप। लेकिन अगर आप कॉलिंग का यूज करोगे तो आपको मिलेगा 2 दिन का बैटरी बैकअप। चार्जिंग करने के लिए आप 5 वोल्ट या 10 वोल्ट का चार्जिंग अडाप्टर यूज कर सकते हो। जितना स्लो चार्जर आप यूज करोगे उतना बेहतर होता है स्मार्ट वॉच की बैटरी लाइफ के लिए लॉन्ग रन में। या आप अपने PC या लैपटॉप में जो USB पोर्ट होता है उससे भी चार्जिंग कर सकते हो। इस स्मार्ट वॉच को फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले आपको इसे फुल चार्ज करना है, ताकि आपको फर्स्ट टाइम से ही अच्छा बैटरी बैकअप मिले। तो मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है, मैं करूंगा इसे स्विच ऑन। तो उसके लिए आपको ऊपर वाले बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है, फिर से ऊपर वाले बटन पे प्रेस कीजिए। तो स्मार्ट वॉच हो चुकी है स्विच ऑन। अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग अपने स्मार्टफोन के साथ। इस स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर में जाकर इसे आपको डाउनलोड करना है, जिसका नाम है बोट क्रेस्ट। तो बोट क्रेस्ट इसे आपको डाउनलोड कीजिए। आपको इसे करना है ओपन, स्वाइप कीजिए, गेट स्टार्टेड। आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर बॉक्स में टिक करना है और करना है सेंड OTP। आपके नंबर पे जाएगा एक OTP, आपको उस OTP को एंटर करना है, फिर आपको करना है कंटिन्यू, फिर करना है ग्रांट परमिशन पे टैप। आपके फोन में ब्लूटूथ को ऑन कीजिए, फिर से ग्रांट परमिशन पे टैप कीजिए, वाइल यूजिंग दी ऐप पे टैप कीजिए, अलाउ कीजिए, और यहां पे आपको देखना है वेव आर्मर, तो यहां पे होगा वेव आर्मर, ये रहा। आपको इस पे टैप करना है कंटिन्यू, आपका डिवाइस सर्च होगा, आपको वेट करना है, आर्मर शो करेगा, आपको इस पे टैप करना है। पेयरिंग सक्सेसफुल हो चुकी है, फिर आपको करना है गेट स्टार्टेड पे टैप, इसे क्लोज करना है क्लोज के बटन पे टैप करके। आपकी वॉच कनेक्टेड है कि नहीं है तो यहां पे शो करेगा ये है कनेक्टेड। सबसे पहले हम करेंगे डिवाइस का सेटअप, तो आपको माय वॉच लिखा हुआ है नीचे सेंटर में, उस पर टैप करना है। सबसे पहले है वॉच फेस को डाउनलोड करके उसे चेंज करने का ऑप्शन, तो आपको वॉच फेस पे टैप करना है। यहां पे आपको मिलते हैं 150 प्लस वॉच फेसेस। अगर आपको किसी भी वॉच फेस को डाउनलोड करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है। जैसे मुझे डाउनलोड करना है इस वॉच फेस को, तो मैं इस पर टैप करूंगा, अप्लाई पे टैप करना है। तो इस तरीके से आप किसी भी वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। जो वॉच फेस से अप्लाई हो चुका है आप देख सकते हो, और यहां पे बैटरी लेवल भी शो करेगा परसेंट में। ये जो स्मार्ट वॉच है बार बार हो रही है डिस्कनेक्ट, तो इसे सोल्व करने के लिए आपको जाना है रिसेंट ऐप में। ऐप आइकन पे टैप कीजिए और यहां पे लिखा होगा लॉक दिस ऐप, आपके फोन में होगा लॉक का आइकन, आपको उस पर टैप करना है। इसके अलावा आपको जाना है ऐप इन्फो में, बैटरी में, और यहां पे आपको करना है पहले भी सिलेक्शन अनरेस्ट्रिक्टेड पे। अब जो वॉच है डिस्कनेक्ट हो चुकी है, तो ये कनेक्ट नहीं हो रही है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको फिर से माय वॉच में जाना है, डिस्कनेक्ट पे टैप करना है, एस पे टैप कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, फिर से आपको इसे करना है पेयर वेव आर्मर, कंटिन्यू, आर्मर फिर से हो जाएगी कनेक्टेड, गेट स्टार्टेड पे टैप कीजिए, फिर से आपको जाना है माय वॉच में, वॉच फेसेस में। आप अपनी खुद की फोटो भी सेट कर सकते हो, आपको बैकग्राउंड पे टैप करना है, फोटो गैलरी को ओपन कीजिए, जिस किसी फोटो को आपको सेट करना है आपको उस पर टैप करना है। मुझे सेट करनी है ये फोटो, मैं इस पर टैप करूंगा, आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो इस तरीके से, फिर आपको करना है टिक पे टैप,
ये है कस्टमाइज व्यू, तो आपको इस पर टैप करना है, मतलब कि आपको कौन से कलर में फॉन्ट शो करने हैं। तो ये है स्टाइल वन, स्टाइल टू, थ्री, फोर में करूंगा व्हाइट में। इसके अलावा आपको टाइम जो है कहाँ पे शो करना है, मैं चाहता हूँ टाइम शो करे बॉटम में। इस तरीके से आप टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट कहीं पे भी शो कर सकते हो। फिर आपको करना है अप्लाई पे टैप। इस तरीके से आप अपने किसी भी फोटो को सेट कर सकते हो वॉचपेस पे। तो जो फोटो है सेट हो चुकी है, आप देख सकते हो। आगे है ऑटो हार्ट रेट मॉनिटर, तो आपको इस पर टैप करना है। ये बाय डिफॉल्ट ऑन किया गया, मतलब कि आपकी वॉच में हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर होता रहेगा। लेकिन अगर आप इसे ऑन रखोगे तो आपको अपनी वॉच में बैटरी बैकअप काफी कम मिलेगा। तो अगर आपको बैटरी बैकअप बढ़िया चाहिए तो आपको इसे ऑफ करना है, मतलब कि आपकी वॉच में अब हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर नहीं होगा। लेकिन आप जब चाहे तब अपनी वॉच में मैन्युअली हार्ट रेट को मेजर कर सकते हो बड़ी आसानी से। आपको करना है सेव टैप, ओके। आगे है नोटिफिकेशन, अगर आप चाहते हो कॉल्स आपके शो करें आपकी वॉच में तो आपको इसे ऑन करना है। परमिशन को अलाउ कीजिए, बोट क्रिस्ट को ऑन करना है, अलाउ कीजिए, बैक जाइए। एसएमएस भी अगर आप देखना चाहते हो अपनी वॉच में तो इसे भी ऑन कीजिए और ऐप नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए। आपको यहां पे मिलेंगे केवल तीन ही ऐप, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जीमेल। तो आपको तीनों को ऑन करना है अगर आप यूज करते हो तो, मतलब कि अगर इनमें से कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो आपकी वॉच में भी रिसीव होंगी। सेव पे टैप कीजिए एंड में, ओके। अगर आप अपनी वॉच में वेदर इन्फो देखना चाहते हो आपके लोकेशन का, तो आपको वेदर पे टैप करना है। इनेबल वेदर को ऑन कीजिए। अगर आप चाहते हो टेम्परेचर सेल्सियस में शो करें तो मेट्रिक पे सेट कीजिए। अगर आप चाहते हो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में शो करें तो आपको इंपीरियल पे करना है सिलेक्शन। मैं करूंगा मेट्रिक। सेव पे टैप कीजिए, अलाउ कीजिए, ओके कीजिए। परमिशन पे टैप करके आपको लोकेशन पे टैप करना है और यहां पे करना है अलाउ ऑल द टाइम, बैक जाइए। आगे है बीटी कॉलिंग, तो इसमें है कॉन्टैक्ट को सिंक करने का ऑप्शन। तो आप अपने मैक्सिमम 10 कॉन्टैक्ट्स को सेव कर पाओगे अपनी वॉच में। आपको सिंक कॉन्टैक्ट्स पे टैप करना है, प्लस के साइन पे टैप कीजिए। जिस किसी कॉन्टैक्ट को आपको ऐड करना है आपको उस कॉन्टैक्ट के सामने जो सर्कल है उस पर टैप करना है। इस तरीके से मैं कोई भी 10 कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो मैंने अपने 10 कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर लिया है। फिर आपको करना है सिंक पे टैप, ओके पे टैप कीजिए। इनमें से अगर आपको किसी को रिमूव करना हुआ तो आपको डिलीट के आइकन पे टैप करना है। अगर आपको ऐड करना हुआ तो प्लस के साइन पे टैप करके फिर से किसी कॉन्टैक्ट को ऐड कर पाओगे। सेव करने के लिए बैक जाइए। कॉलिंग का फीचर अभी तक ऑन हुआ नहीं है, मतलब कि अगर कोई भी कॉल आएगा तो आप अपनी वॉच में उसे रिसीव नहीं कर पाओगे। तो कॉल के फीचर को ऑन करने के लिए आपको जाना है अपने फोन के बीटी सेटिंग्स में। बी पे लॉन्ग टैप कीजिए और यहाँ पे आपको वॉच में ओपन करना है कंट्रोल सेंटर को, और जो कॉल का फीचर है कॉल का आइकन आपको उस पर टैप करना है। ऑडियो मोड के टॉगल को ऑन कीजिए। इसके बाद यहाँ पे स्कैन करना है, आपको नीचे शो करेगा आर्मर बीटी, ये रहा आर्मर बीटी, आपको इस पर टैप करना है। पैर पे टैप कीजिए, तो आपकी वॉच अब हो चुकी है कनेक्टेड फॉर कॉल्स एंड ऑडियो। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो आपको किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। इस वॉच में म्यूट मोड का ऑप्शन नहीं है, मतलब कि अगर कोई भी कॉल आएगा आपका फोन चाहे म्यूट पे हो फिर भी आपकी वॉच में रिंगटोन बजेगी ही। तो इस तरीके से आपको मिलेगा कॉल का प्रीव्यू, कॉन्टैक्ट का नाम नंबर शो करेगा, आपकी वॉच में बजेगी रिंगटोन और आपकी वॉच करेगी वाइब्रेट। अगर आप इस रिंगटोन को म्यूट करना चाहते हो तो आपको अपने फोन में वॉल्यूम अप या डाउन पे प्रेस करना है, आपकी वॉच में रिंगटोन बजना बंद हो जाएगा। आपको मिलेंगे दो ऑप्शंस, कॉल को कट करने का और इसे एक्सेप्ट करने का। और अगर आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया तो आपको मिलेंगे तीन ऑप्शंस। कॉल के वॉल्यूम को आप यहां से एडजस्ट कर सकते हो स्लाइड करके इस तरीके से। यह है माइक को म्यूट करने का ऑप्शन। तो अगर आप चाहते हो सामने वाले को आपकी आवाज ना जाए तो आपको इस पे टैप करना है। और यह है कॉल को कट करने का ऑप्शन। हालांकि कॉल को स्विच करने का ऑप्शन नहीं है, मतलब कि आप अपने वॉच से अपने फोन में कॉल को स्विच नहीं कर सकते। हालांकि आप कर पाओगे केवल अपने फोन के जरिए। तो जो फोन में बी का आइकन होता है यहाँ पे उस पर टैप करना है। अब जो कॉल है चल रहा है आपके फोन में, आपको वापस जाना है वॉच में, बी पे टैप कीजिए। इस तरीके से आप कॉल को स्विच कर सकते हो फोन के जरिए। हालांकि आप जो रिंगटोन का वॉल्यूम है उसे एडजस्ट कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है, जब भी कोई कॉल आएगा जब आप उसे एक्सेप्ट करोगे तो उसे एक्सेप्ट करके आपको जो वॉल्यूम है उसे करना है मिनिमम। मिनिमम पे सेट कीजिए, मतलब कि जीरो पे सेट कीजिए, जितना कम हो जाए उतने कम पे सेट कीजिए। तो मैंने जीरो पे सेट कर दिया है। कॉल को कट कीजिए। उसके बाद अगर कोई भी कॉल आएगा तो जितना आपने वॉल्यूम सेट किया है उसी वॉल्यूम पे रिंगटोन प्ले होगी आपकी वॉच में। तो आप देखोगे अब यहां पे कोई भी रिंगटोन प्ले नहीं हो रही है, क्योंकि हमने जो रिंगटोन की वॉल्यूम है उसे एडजस्ट कर लिया है।
अगर आपको अपने वॉच में कॉल को रिसीव नहीं करना है तो आप कॉल के फीचर को ऑफ भी कर सकते हो। आपको जाना है कंट्रोल सेंटर में और यहाँ पे होगा फोन का आइकन, इस पर टैप कीजिए और इसे कीजिए ऑफ। इसके बाद कॉल का फीचर ऑफ हो जाएगा, मतलब कि अब आप अपनी वॉच में कॉल को रिसीव नहीं कर पाओगे। हालांकि आपको कॉल का अलर्ट शो करेगा और जब कॉल आएगा तब आपकी वॉच में होगा वाइब्रेशन, हालांकि रिंगटोन नहीं बजेगी। तो कॉल का फीचर अगर आप ऑफ करोगे तो इस तरीके से आपको मिलेगा कॉल का प्रीव्यू, कॉन्टैक्ट का नाम नंबर शो करेगा, आपकी वॉच में होगा वाइब्रेशन और यहां पे आपको मिलेगा केवल एक ही ऑप्शन इस कॉल को कट करने का। अगर आपको कॉल को रिसीव करना है अपनी वॉच में तो फोन के आइकन पे टैप करके आपको ऑडियो मोड को ऑन करना है इस तरीके से, तब आपकी वॉच में आप कॉल को रिसीव कर पाओगे। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी SMS आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। SMS आ चुका है, वॉच में भी आ चुका है। अच्छी बात है कि जब SMS आता है तब वॉच में डिस्प्ले ऑन होता है और वॉच करती वाइब्रेट। अगर आपने SMS को देखना मिस कर दिया तो फिर आपको होम पेज पे करना है स्वाइप अप और ये रहे आपके मैसेज, आपको जिसे ओपन करना है उस पे टैप कीजिए। आपको शो करेगा टाइम, डेट और कॉन्टैक्ट का नाम है नंबर और ये है मैसेज के कंटेंट। यहाँ पे शो करेंगे केवल 3 से 4 लाइन और आप SMS को अगर करना चाहते हो डिलीट तो आप उसे ओपन करके कर सकते हो इस तरीके से डिलीट। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी WhatsApp मैसेज आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो WhatsApp मैसेज आ चुका है और WhatsApp में भी डिस्प्ले ऑन होता है और वॉच करती वाइब्रेट। देखना मिस कर दिया तो कीजिए स्वाइप अप और यहाँ पे आपको शो करेंगे आपके WhatsApp मैसेज, जिसे रीड करना है उस पे टैप करके उसे रीड कीजिए इस तरीके से। हालांकि जो WhatsApp मैसेज है अलग अलग हिस्सों में शो करेंगे, एक ही मैसेज में सारे कॉन्टेंट शो नहीं करेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ हिस्सा यहाँ पे शो कर रहा है और आगे का जो हिस्सा है यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप एक साथ देख पाओगे 4 से 5 लाइन WhatsApp के और आप यहाँ पे एक साथ देख पाओगे अपने पिछले 15 मैसेज आपको यहाँ पे शो करेंगे लास्ट के। और अगर आपको सभी को एक साथ करना हो क्लियर तो नीचे आपको मिलेगा क्लियर ऑल का बटन सभी को एक साथ क्लियर करने के लिए। आगे है लोकेट माई वॉच, तो आप इस ऑप्शन के जरिए अपनी वॉच को ढूंढ सकते हो। मान लो आपने अपनी वॉच को कहीं पर रख दिया है, आपको मिल नहीं रहे, तो ऐसे में अगर आप इस पे टैप करोगे तो आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑन होगा और आपकी वॉच करेगी वाइब्रेट 3 बार। हालांकि ये फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी। आगे है अलार्म, तो अगर आपको अलार्म को ऐड करना हो आपकी वॉच में तो आपको यही से ऐड करना पड़ेगा। इस पे टैप कीजिए, प्लस के साइन पे टैप कीजिए। आप अलार्म को लेबल भी दे सकते हो, जैसे कि ये है मॉर्निंग के लिए या किसी मीटिंग के लिए इस तरीके से। इसके बाद आपको टाइम को सेट करना है, टाइम पे टैप कीजिए, ये है आवर और ये है मिनट, AM PM सेट कीजिए, ओके पे टैप कीजिए। अगर आपको इस अलार्म को रिपीट करना है तो इसे ऑन कीजिए। कौन कौन से दिन को आपको अलार्म को प्ले करना है तो आपको उन दिन को चूज करना है, रेड में मतलब कि उन दिन के लिए अलार्म प्ले होगा। फिर आपको करना है ओके पे टैप और किसी अलार्म को ऐड करने के लिए आपको प्लस के साइन पे टैप करना है, फॉलो करनी है सेम प्रोसेस और आपको ओके पे टैप करना है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे मैक्सिमम 5 अलार्म्स को ऐड कर पाओगे। अगर आपको अलार्म को ऑन ऑफ करना हो तो आप यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हो, टैप करके उसे चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको अलार्म को सेव करना हो फिर आपको करना है लास्ट में सेव पे टैप, ओके। आप जो भी अलार्म ऐड करोगे आप उन्हें देख पाओगे अपनी वॉच में भी और जब भी अलार्म का टाइम आएगा तब आपको मिलेगा अलार्म का रिमाइंडर आपकी वॉच में वाइब्रेशन के साथ। आगे है सेडेंडरी रिमाइंडर, तो अगर आपको इसे यूज करना है तो इसे ऑन कीजिए। तो इसे ऑन करने से होगा क्या, तो अगर आप 1 घंटे के लिए बिना किसी एक्टिविटी के ऐसे ही बैठे हुए हो आइडली 1 घंटे के दौरान, ना आप चले ना आप उठे, तो आपको हर रोज सुबह के 9 से लेकर शाम के 6 बजे तक हर घंटे आएगा एक अलर्ट कि अब आपको चलना चाहिए उठना चाहिए। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको इसे सेव करना है, ओके। आगे है ड्रिंक वाटर रिमाइंडर, तो आप पानी पीने का रिमाइंडर भी सेट कर सकते हो अपनी वॉच में। आपको इसे ओपन करना है, इसे ऑन कीजिए। आप हर कितने टाइम के बाद पानी पीने का रिमाइंडर पाना चाहते हो अपनी वॉच में, तो मैं चाहता हूं हर 2 घंटे, तो मैं यहां पे करूंगा 120 मिनट, मतलब कि मुझे सुबह के 9 से लेकर शाम के 6 बजे तक हर 2 घंटे आएगा पानी पीने का रिमाइंडर। सेव पे टैप कीजिए। अब बात करते हैं सेटिंग्स की, तो आपको सेटिंग्स पे टैप करना है। वॉच सेटिंग्स में आपको मिलेगा वॉच फीचर्स जो हम पहले ही देख चुके हैं। इसके बाद है वॉच कंट्रोल, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 4 ऑप्शंस। पहला है वेक जेस्चर, मतलब कि रेस्ट वेक का फीचर। तो अब ये ऑन है, इसका मतलब होता क्या है, मान लेते हैं आपने अपनी वॉच को पहना हुआ है, अब आपको टाइम देखना है, तो टाइम देखने के लिए आपको डिस्प्ले को ऑन करना पड़ेगा। डिस्प्ले को ऑन करने के लिए आपको अपनी कलाई को ऊपर की ओर रेस करना है, इसे डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। डिस्टेंस यूनिट आपको किलोमीटर ही रखना है, हम माइल का यूज नहीं करते। इसके अलावा आप अपनी वॉच में टाइम को सेट नहीं कर सकते, लेकिन जो टाइम आपके फोन में शो कर रहा है सेम वही टाइम आपकी वॉच में भी शो करेगा। हालांकि आप जो टाइम फॉर्मेट है उसे चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे है 12 आवर का ऑप्शन, तो आपको कौन सा फॉर्मेट शो करना है आपकी वॉच में, 12 आवर या 24 आवर, आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो। मैं करूंगा 12 आवर
ओके बेटे आप कीजिए। आगे है डीएनडी, तो अगर आप डीएनडी को ऑन करोगे तो आपके वॉच में कोई भी मैसेज या कॉल्स नहीं आएंगे, इसके अलावा आपके वॉच में कोई भी वाइब्रेशन या साउंड प्ले नहीं होगा। अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको इसे ऑन करना है। हालांकि डीएनडी ऑन होने के बावजूद आपकी वॉच में अलार्म प्ले होगा, अलार्म शो करेगा। आप इसे आपके डेटा को गूगल फिट के साथ भी सिंक कर सकते हो, तो आपको जाना है सिस्टम सेटिंग्स में और यहाँ पे है लिंक्ड एप्लीकेशन, इसे ओपन कीजिए और ये है गूगल फिट। तो अगर आप चाहते हो इस ऐप में आपका जो भी डेटा है, हेल्थ डेटा और एक्टिविटी डेटा, उसे अगर आपको देखना हुआ गूगल फिट में भी, तो आपको इसे करना है लिंक नाउ और करना है कनेक्ट। अब बात करते हैं होम पेज की, जहां पे आपको शो करेगा आपका एक्टिविटी और वाइटल डेटा। तो आप अपनी प्रोफाइल को यहां से चेंज कर सकते हो, आपको कंप्लीट प्रोफाइल पे टैप करना है। कंप्लीट प्रोफाइल पे फिर से टैप कीजिए, आप यहां से अपनी प्रोफाइल फोटो, अपना यूजर नेम, ईमेल, फोन नंबर, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, आपकी हाइट और वेट आप यहां से चेंज कर सकते हो जब चाहे तब। वेट आपको सेट करना है केजी में, फिर करिए ओके पे टैप और लास्ट में अपडेट प्रोफाइल पे टैप। ओके, बैक जाओगे तो होम पेज पे आपको शो करेगा आपका आज का एक्टिविटी डेटा, मतलब कि ये है आज के स्टेप्स, इसके अलावा आज का स्लीप डेटा, डिस्टेंस और कैलोरी। अगर आप चाहते हो आपकी वॉच में आपका स्लीप डेटा मेजर हो, तो आपको सोने के दौरान अपनी वॉच को पहने रखना है। तो जो स्लीप रिकॉर्ड है काम करता है रात के 8 से लेकर सुबह के 10 बजे तक, उस टाइम के दौरान अगर आप सोते हो तो आपकी वॉच में आपका रिकॉर्ड होगा स्लीप डेटा, और आप उस डेटा को यहाँ पे चेक कर पाओगे डिटेल में टैप करके। यहाँ पे शो होगा कि आप कितना टाइम सोए, आपको कितने बजे नींद लगी और कितने बजे आप जागे। और अगर आप अपनी वॉच में हार्ट रेट और एसपीटू को मेजर करोगे तो उसका डेटा आपको यहाँ पे शो करेगा, आप इस पे टैप करके उन्हें चेक कर पाओगे डिटेल में। ये है हार्ट रेट और ये है एसपीटू। और अगर आप अपनी वॉच में कोई भी वर्कआउट करोगे उसका डेटा अगर आपको चेक करना हुआ, तो यहाँ पे है फिटनेस का ऑप्शन, टैप कीजिए और यहाँ पे होगा एक्टिविटी हिस्ट्री, इस पर टैप कीजिए। आपके जो भी वर्कआउट आपने किए हैं आपकी वॉच में यहाँ पे शो करेंगे। तो हमने इस ऐप के जरिए अपनी वॉच को सेटअप कर लिया है, अब हम देखेंगे आपको वॉच को कैसे यूज करना है। इस वॉच में आपको मिलती है दो बटन्स ऊपर और नीचे, और दोनों बटन के हैं दो कॉमन फंक्शंस। अगर आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑफ है तो उसे ऑन करने के लिए आप ऊपर वाले बटन पे भी प्रेस कर सकते हो, या फिर नीचे वाले बटन पे भी प्रेस कर सकते हो ऑन करने के लिए। और अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो, वहां से अगर आपको जाना हो डायरेक्ट होम पेज पे, तो आप ऊपर वाले बटन पे प्रेस करके भी जा सकते हो और नीचे वाले बटन पे प्रेस करके भी जा सकते हो डायरेक्ट होम पेज पे। होम पेज पे होते हुए अगर आप ऊपर वाले बटन पे प्रेस करोगे तो आप डिस्प्ले को ऑन ऑफ कर सकते हो इस तरीके से, और अगर आप ऊपर वाले बटन पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको मिलेगा पावर मेनू इस वॉच को स्विच ऑफ करने का, आपको टिक पे टैप करना स्विच ऑफ करने के लिए। होम पेज पे होते हुए अगर आप नीचे वाले बटन पे प्रेस करोगे तो आप एक्सेस कर पाओगे मेन मेनू को, ये रहा मेन मेनू। और मेन मेनू में होते हुए अगर आप इस बटन पे डबल प्रेस करोगे तो आप इस मेनू स्टाइल को चेंज कर सकते हो इस तरीके से, आप देख पा रहे हो ये है लिस्ट और ये है ग्रिड। और अगर आप नीचे वाले बटन पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको मिलेगा वॉइस असिस्टेंट का फीचर, तो आप यहां से अपने फोन में जो गूगल असिस्टेंट या सीरी है उसका यूज कर पाओगे। आपको टैप करना है हाउ इज द वेदर टुडे, इट विल बी सनी विद अ हाई ऑफ 37 एंड अ लो ऑफ 26। होम पेज पे अगर आप स्वाइप डाउन करोगे तो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर, ऊपर में है बैटरी लेवल और यहां पे शो कर रहा है टाइम। सबसे पहला टॉगल है डीएनडी को ऑन ऑफ करने का, तो आप टैप करके यहां से डीएनडी को ऑन ऑफ कर सकते हो। ये है ब्राइटनेस को एडजस्ट करने का टॉगल, तो आप यहां पे लेवल 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से माइनस प्लस के साइन पे टैप करके ब्राइटनेस को कर सकते हो कंट्रोल। आगे है सेटिंग्स, इसमें सबसे पहले है मेनू स्टाइल, एक होता है लिस्ट और एक होता है ग्रिड जो हम देख चुके हैं। आगे है स्क्रीन डिस्प्ले, इसमें पहले है वॉच फेस को चेंज करने का ऑप्शन, तो टैप कीजिए, आप स्वाइप करके वॉच फेस को चेंज कर सकते हो और जिसे सेट करना है आपको उस पर टैप करना है। आप वॉच फेस पे लॉन्ग टैप करोगे इस तरीके से भी आप वॉच फेस को चेंज कर सकते हो। अगर आप गौर करोगे जो फोटो आपने सेट की है उसके नीचे आपको शो करेगा गियर का आइकन, उस पर टैप करके आप जो फोन की स्टाइल है उसे चेंज कर सकते हो इस तरीके से। आपको जो स्टाइल सेट करनी है उस पर टैप कीजिए, फिर बैक जाइए सेट करने के लिए। आप अपनी वॉच में एक साथ 4 वॉच फेस को प्लेस कर सकते हो, हालांकि पहले 3 वॉच फेस फिक्स होते हैं, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। जो आखिरी वाला होता है ये 4th वॉच फेस, वही चेंज होता है। स्क्रीन डिस्प्ले में आगे है ब्राइटनेस का ऑप्शन, आप यहां से भी एडजस्ट कर सकते हो। फिर स्क्रीन टाइम, मतलब कि डिस्प्ले कितने सेकंड के लिए ऑन रहना चाहिए, मैंने सेट किया मान लेते हैं 5 सेकंड, इसका मतलब है कि डिस्प्ले अगर मैं ऑफ करूंगा तो अब ऑन करने के बाद ये 5 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। अगर आपको इस टाइमर को बढ़ाना है तो आप इसे कर सकते हो मैक्सिमाइज 30 सेकंड तक, तो आपको जाना है स्क्रीन टाइम आउट में।
और यहाँ पे करिए 30 सेकंड, लेकिन जितना आप टाइम ज्यादा रखोगे उतनी बैटरी ज्यादा यूज होगी आपकी वॉच में, इसलिए अगर आपको बैटरी बैकअप बढ़िया चाहिए तो आप सेट करिए 10 या 15 सेकंड मैक्सिमम। आगे है रेस्ट वेक का टाइमर, मतलब कि अगर आपने रेस्ट वेक के फीचर को ऑन रखा हुआ है ऐप में और अगर आपने अपनी कलाई को ऊपर किया तो वॉच का डिस्प्ले ऑन होगा, लेकिन कितने टाइम के लिए ऑन रहना चाहिए डिस्प्ले, तो ये है टाइमर उसका। जैसे यहां पे मान लेते मैंने सेट किया है 2 सेकंड्स, ठीक है। अब क्या होगा, अगर डिस्प्ले ऑफ होता है, अगर मैं अपनी वॉच को पहनता हूं, रेस्ट करूंगा, डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, अब ये रहेगा 2 सेकंड के लिए ऑन, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। फिर है आगे बैटरी, यहां पे शो करेगा बैटरी लेवल परसेंट में, और ये है पावर सेवर मोड को ऑन करने का टॉगल। अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में कॉलिंग का फीचर ऑफ हो जाएगा। ये है वाइब्रेशन इंटेंसिटी, तो आपको इस पे टैप करना है। आपको यहां पे मिलेंगे 3 ऑप्शन, अगर आपको कोई भी अलर्ट आता है तो वाइब्रेशन कौन सा चाहिए, कौन से लेवल पे चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए वाइब्रेशन तो ऑफ पे सेट कीजिए, अगर आपको चाहिए हल्का सा वाइब्रेशन तो सॉफ्ट पे कीजिए, अगर आपको चाहिए ज्यादा वाइब्रेशन तो रखिए स्ट्रॉन्ग पे। फिर है लैंग्वेज, जो आपको इंग्लिश ही रखनी है, यहां पे कोई भी ऑप्शन नहीं अवेलेबल। इसके बाद है QR कोड, इस बोट ऐप को डाउनलोड करने का, इसको स्कैन करके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, हालांकि हमने पहले ही इसे डाउनलोड कर लिया है तो इसे स्कैन करने की जरूरत नहीं है। पासवर्ड, तो आप अपनी वॉच में पासवर्ड को भी सेट कर सकते हो, तो आपको इस पे टैप करना है, इसे ऑन कीजिए, अपना पासवर्ड सेट कीजिए, फिर से कंफर्म कीजिए, सेट हो चुका है। अब इससे क्या होगा, डिस्प्ले अगर आपका ऑफ होता है, अगर आप इसे ऑन करोगे तो वॉच को यूज करने के लिए आपको एंटर करना पड़ेगा पासवर्ड, तभी आप अपनी वॉच को यूज कर पाओगे। और अगर आप पासवर्ड को चेंज करना चाहते हो तो आप पासवर्ड को यहां से चेंज भी कर सकते हो, अगर आपको पासवर्ड यूज नहीं करना है तो इसे आप ऑफ भी कर सकते हो। और एंड में है सिस्टम में 3 मेनू, सिस्टम इन्फो, जहां पे आपको शो करेगा आपकी वॉच का मैक एड्रेस, फर्मवेयर वर्जन और UI वर्जन। ये है स्विच ऑफ करने का ऑप्शन और ये है इस वॉच को रिसेट करने का ऑप्शन। होम पेज पे अगर आप स्वाइप राइट करोगे तो आपको मिलेगा स्प्लिट विंडो, टाइम, डेट, डे और यह है QR कोड इस ऐप को डाउनलोड करने का। इसके बाद है वेदर का ऑप्शन, तो अभी फिलहाल कितना वेदर है आप टैप करके उसे यहां पे चेक कर सकते हो इस तरीके से। इसके बाद शो करेंगे आपके 4 एप्स जो आपने रिसेंटली यूज किए हैं, आप इन पे टैप करके उसे ओपन कर सकते हो इस तरीके से। तो ये जो 4 एप्स है ये चेंज होते रहते हैं जिस तरीके से आप अपनी वॉच को यूज करोगे उस तरीके से। होम पेज पे अगर आप स्वाइप लेफ्ट करोगे तो आपको मिलेंगे अलग अलग शॉर्टकट, सबसे पहले है एक्टिविटी, आज के स्टेप्स, कैलोरी, डिस्टेंस, इसके आगे है हार्ट रेट को मेजर करने का ऑप्शन, तो आप टैप करके कर सकते हो मेजर। इसके बाद है आपका स्लीप डेटा, तो आप कितना टाइम सोए और आपका डीप स्लीप, लाइट स्लीप टाइम यहाँ पे शो करेगा। और इसके बाद है प्लस का साइन, तो आप शॉर्टकट्स को ऐड भी कर सकते हो, तो पहले से 3 तो ऐड किए गए हैं लेकिन आप चाहो तो अगले 3 को भी ऐड कर सकते हो। जैसे है स्पोर्ट्स, तो प्लस के साइन पे टैप कीजिए। इसके बाद है वेदर और म्यूजिक, बैक जाइए, तो हमने अब ऐड कर लिए है 3 नए विजेट्स जो है वर्कआउट के लिए। यहां पे आपको मिलेंगे 19 वर्कआउट मोड, अगर आपको इनमें से किसी को भी स्टार्ट करना हुआ तो आपको उस पे टैप करना है स्टार्ट करने के लिए इस तरीके से। यहां पे शो होगा टाइमर, कितना टाइम हुआ है इस वर्कआउट को, आपका रियल टाइम हार्ट रेट और आपकी कैलोरी। पॉज करने के लिए ऊपर वाले बटन पे प्रेस कीजिए, ये हो चुका है पॉज। कंटिन्यू करने के लिए कंटिन्यू पे टैप कीजिए और इसे एंड करना हुआ तो कीजिए स्टॉप। अगर आप चाहते हो आपका डेटा सेव हो आपकी वॉच में और ऐप में तो आपको मिनिमम 1 मिनट के लिए वर्कआउट करना है। इसके आगे है वेदर जो हम देख चुके हैं, आगे है म्यूजिक प्लेयर, तो प्ले पे टैप कीजिए, आपकी वॉच में प्ले होगा म्यूजिक। अगर आपकी वॉच में म्यूजिक प्ले नहीं हुआ तो आपको अपने फोन में म्यूजिक ऐप को ओपन करना है, म्यूजिक को प्ले करना है, प्रीवियस, नेक्स्ट, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप। जो म्यूजिक है प्ले हो रहा है आपकी वॉच में। अगर आप चाहते हो म्यूजिक प्ले हो मेरे फोन में तो आपको जाना है अपने फोन के बीटी सेटिंग्स में, बी पे लॉन्ग टैप कीजिए और यहां पे होगा आर्मर बीटी, उसके सामने होगा गियर का आइकन, उस पर टैप कीजिए और जो ऑडियो का टॉगल है उसे आपको ऑफ करना है। इसके बाद अगर मैं म्यूजिक को प्ले करूंगा तो प्ले होगा मेरे फोन में, इसका मतलब है कि अगर आपने इस ऑडियो के टॉगल को ऑन किया हुआ है तो अगर आप अपने फोन में कोई भी मीडिया प्ले करोगे जैसे कि कोई भी म्यूजिक वीडियो या यूट्यूब तो उसका साउंड प्ले होगा आपकी वॉच में। अगर आप चाहते हो आप कोई भी मीडिया प्ले करो तो उसका साउंड फोन में प्ले हो तो आपको इसे ऑफ रखना है। अगर आपको इनमें से किसी भी शॉर्टकट को रिमूव करना हो यहां से तो आप रिमूव भी कर सकते हो, आपको प्लस के साइन पे टैप करना है एंड में और यहां पे माइनस का साइन। अगर आपको मान लेते निकालना है स्पोर्ट्स को तो माइनस के साइन पे टैप कीजिए और यहां से रिमूव हो जाएगा। अब बात करते हैं मेन मेनू की, तो आपको नीचे वाले बटन पे प्रेस करना है उसे एक्सेस करने के लिए। सबसे पहले है डायल, तो
तो आप यहां से किसी भी नंबर को डायल करके कॉल कर सकते हो बड़ी आसानी से। आप डायल पैड पे इन सिंबल्स को भी ऐड कर सकते हो। आपको सिंबल्स पे लॉन्ग टैप करना है, जैसे कि स्टार, हैश और नीचे है प्लस का साइन। फिर एक कॉन्टैक्ट, जो भी आपने 10 कॉन्टैक्ट ऐड किए आपके ऐप में यहां पे शो करेंगे, और अगर आपको इनमें से किसी को भी कॉल करना हुआ तो आपको उस कॉन्टैक्ट पे टैप करना है। और ये है कॉल रिकॉर्ड्स, मतलब कि आपकी कॉल हिस्ट्री। तो यहां पे आपके पिछले 10 कॉल्स शो करेंगे टाइम के साथ। अगर आपको इनमें से किसी को भी कॉल करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है फिर से कॉल करने के लिए। अब इनमें से हम मोस्ट ऑफ चीजों को देख चुके हैं, जो बाकी है वो है स्पोर्ट रिकॉर्ड, मतलब अगर आप कोई भी वर्कआउट करोगे उसका रिकॉर्ड आपको यहां पे शो करेगा। आप SPO2 यहां से कर सकते हो मेजर, इस पर टैप करके आपको वेट करना है, आपका शो करेगा यहां पे SPO2। मैसेज आप अपने यहां से रीड कर पाओगे। ये है फीमेल, मतलब कि फीमेल साइकिल ट्रैकर। तो अगर आप एक फीमेल हो और अगर आपने अपने ऐप में फीमेल साइकिल ट्रैकर को ऑन किया है तो इसमें आपको शो करेगा आपका साइकिल डेटा। फिर है स्टॉपवॉच टाइमर का ऑप्शन, जो भी अलार्म्स आपने ऐड किए हैं यहां पे आपके अलार्म शो करेंगे, आप उसका टाइम यहां पे चेक कर पाओगे। अलार्म को आप यहां से ऑन ऑफ भी कर सकते हो। इसके बाद है कैमरा कंट्रोलर, तो आपको इस पे टैप करना है। फिर से टैप कीजिए, आपके फोन में ओपन होगा कैमरा, लेकिन होगा नहीं क्योंकि आपको बोट ऐप को ओपन रखना पड़ेगा। जब ऐप ओपन रखोगे आप तभी ये फीचर काम करेगा। तो सबसे पहले आपको बोट ऐप को ओपन करना है, उसके बाद कैमरा पे टैप कीजिए, टैप कीजिए, फिर ओपन होगा कैमरा। पहले पे टैप कीजिए और आप फिर टैप करके अपने फोन में कैप्चर कर सकते हो फोटो। आप टैप करके या शेक करके भी फोटो कैप्चर कर सकते हो। यह फ्लैश को ऑन ऑफ करने का टॉगल, जो भी फोटो आप कैप्चर करोगे इस तरीके से यहां पे से होंगी। आप कैमरे को यहां से कर सकते हो रोटेट, और यह है पिक्चर को क्लिक करने का ऑप्शन। इसके बाद है फाइंड फोन, तो आप इस ऑप्शन के जरिए अपने फोन को ढूंढ सकते हो। मान लो आपने अपने फोन को कहीं पर रख दिया है, आपको मिल नहीं रहा, तो ऐसे में अगर आप इस पर टैप करोगे तो आपके फोन में रिंग बजेगी। आपका फोन अगर साइलेंट पे होता है फिर भी आपके फोन में रिंग बजेगी। फ्लैश भी होगा आपके फोन में। इसे स्टॉप करने के लिए आपको ऐप को ओपन करना पड़ेगा। और एंड में है सेटिंग्स, जो हम पहले ही देख चुके हैं। टॉगल यहां पे दिखने बाकी रह गए 3 टॉगल्स। ये है फाइंड माई फोन का टॉगल, तो आप इस पर टैप करके भी फाइंड माई फोन का यूज कर पाओगे। यह है कॉल के फीचर को ऑन ऑफ करने का टॉगल, तो अगर आप इसे ऑफ करोगे तो आप अपनी वॉच में कॉल रिसीव नहीं कर पाओगे, आपकी वॉच में आप म्यूजिक भी प्ले नहीं कर पाओगे। और यह है वॉइस असिस्टेंट, जो हम पहले ही देख चुके हैं। दोस्तों, तो ये था बोट वेव आर्मर और बोट वेव फोर्स का कंप्लीट सेटअप गाइड। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।